देश में चल रही कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार का 21 दिवसीय लॉकडाउन चल ही रहा है, परंतु मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस पर प्रदेश सरकार और सजग होकर इसका सामना करने और प्रदेश की जनता को इस महामारी से सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में नीमच जिला प्रशासन ने 11-12 अप्रैल 2 दिवसीय संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। उसका आज दूसरा दिन है। प्रशासन के निर्देश पर जिला पूरी तरह लॉकडाउन चल रहा है। जिलाधिकारियों के मार्गदर्शन में आज रविवार को सिंगोली पुलिस प्रशासन ने तहसीलदार विवेक गुप्ता और थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद के नेतृत्व में वाहन फ्लैग मार्च निकाला, जो नगर के हर गली मोहल्लों से होकर निकला और लोगों को घरों में रहने के लिए निर्देशित किया। नगर के नागरिकों ने पुलिस द्वारा निकाले गए फ्लैग मार्च का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद ने बताया कि आज का ये फ्लैग मार्च सिंगोली थाना क्षेत्र के कदवासा, धारड़ी, धनगांव, झांतला अथवा ताल, पिपली खेड़ा, फुसरिया, धोगवा आदि ग्रामों में किया गया और सभी जगह नागरिकों को अपने अपने घरों में रहकर इस महामारी का सामना करने की बात कही। सिंगोली से संवाददाता नवीन जैन के साथ प्रदीप पिछोलिया की रिपोर्ट।